Hello friends, today I have to deliver the Morgan's experiments. In the Morgan's experiments, in previous video I have to discuss, about the selection of the Drosophila melanogaster for his hybridization experiments. T.H. Morgan's, you know that T.H. Morgan's is the father of experimental genetics. इस experiment को start करने से पहले why the Morgan select the Drosophila melanogaster for his hybridization experiments? जिस तरह से Mendel ने garden pea plant को select करने से पहले उसके अंदर पूरे character को ठीक तरह से निरीक्षण किया, उसी तरह टीएच मॉर्गन ने डॉर्सोफिला को एक्सपेरिमेंटल के लिए, एक्सपेरिमेंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिलेक्शन करने से पहले उसके अंदर जो कैरेक्टर है उसका पूरा डिटेल में स्टडी किया, और इस कैरेक्टर को डिटेल में स्टडी करने के बाद यू नो दैट आपको पता है कि डॉर्सोफिला मेलानोगास्टर के अंदर फोर पेयर ऑफ द क्रोमोजोम्स होते हैं। ये जो फोर पेयर ऑफ द क्रोमोजोम है उसके सिक्स क्रोमोजोम इज द ऑटोसोमल क्रोमोजोम्स और आल्सो कॉल्ड एज द सोमेटिक क्रोमोजोम्स एंड द टू क्रोमोजोम इज द सेक्स क्रोमोजोम्स। जिस तरह ह्यूमन के अंदर सेक्स क्रोमोजोम होते हैं एक्स एक्स एंड एक्स वाई, उसी तरह मेल एंड फीमेल के अंदर एक्स एक्स एंड एक्स वाई क्रोमोजोम्स होते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि एक्स 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 एंड एक्स एक्स वाई क्रोमोजोम्स पर जो सेट ऑफ दी एलील्स है, सेट ऑफ दी जीन्स है विच आर दी प्रेजेंट ऑन दी एक्स क्रोमोजोम एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड एज दी हेमीजाइगस, उसे हेमीजाइगस कहा जाता है। दी सेट ऑफ दी एलील्स और दी सेट ऑफ दी क्रोम सेट ऑफ दी जीन्स विच आर दी प्रेजेंट ऑन दी that is which is the present on the chromosomes is known as the hemizygous. जिस तरह मॉर्गन ने डॉर्सोफिला के अंदर क्रोमोजोम को पूरी तरह से स्टडी किया, इन कैरेक्टर के अंदर जो कैरेक्टर मॉर्गन को डॉर्सोफिला के अंदर क्रॉस के लिए उन्होंने किसको कंसिडर किया, बॉडी कलर को सेलेक्ट किया, आई कलर को सेलेक्ट किया एंड विंग साइज को सेलेक्ट किया। उसके अंदर उन्होंने देखा बहुत सारे डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर उनको थे। बॉडी कैरेक्टर में ब्राउन एंड येलो, देन आई कलर में रेड एंड व्हाइट एंड विंग साइज में नॉर्मल एंड मिनिएचर। मिनिएचर का अर्थ ऐसा होता है कि अरे कि छोटे पंख होते हैं, डिफेक्टिव पंख होते हैं और नॉर्मल इज अ डोमिनेंट वन। आई कलर में रेड डोमिनेंट है और बॉडी कलर में ब्राउन इज अ डोमिनेंट है, येलो इज अ रेसेसिव वन। उसके कैरेक्टर को सेलेक्ट करने के बाद उनके जीन्स को एलील्स को उन्होंने सेलेक्ट किया। येलो में पहला स्मॉल वाई आता है इज अ रेसेसिव वन, उसका स्मॉल वाई को उन्होंने इंडिकेट कर दिया रेसेसिव जीन्स, और उन्हें ब्राउन को एलील्स को इंडिकेट करने के लिए वाई प्लस, स्मॉल वाई प्लस, स्मॉल वाई प्लस इज द डोमिनेंट एलील्स ऑफ द ब्राउन कलर ऑफ द बॉडी कलर ऑफ द डॉर्सोफिला। देन आई कलर इज रेड एंड व्हाइट, व्हाइट का पहला आता है डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू प्लस, स्मॉल डब्ल्यू प्लस इज अ डोमिनेंट वन विच इज जीन्स और द एलील्स इज द रेड, रेड इज अ डोमिनेंट। देन नॉर्मल विंग्स एंड मिनिएचर, मिनिएचर का पहला यम आता है स्मॉल यम, स्मॉल यम, यम इज द रेसेसिव वन एंड स्मॉल यम प्लस, साइन जो दिया है प्लस, इसका साइन इंडिकेट द प्लस साइन इंडिकेट द डोमिनेंट वन।
So selection of the characters, their genes or the pair of alleles, then a conditions उन्होंने वहां पर रख दिए. क्या condition वहां पर रखा है? इस condition को देखा जाए तो female is a recessive consider and male is the dominant consider. Male is the dominant one. उन्होंने Morgan ने ज्यादा interest male में दिखाया. And then take the three crosses. These three crosses which are the take in the first cross उन्होंने लिया. First cross में body color लिया और eye color को ले लिया. Body color, you know that body color में क्या आता है? Brown and yellow. And eye color में आता है red and white. इन्होंने पहला cross यहाँ पे लिया. Second cross लिया है. Second cross में उन्होंने white color, eye color is crossed with the wing size. Eye color जो है red and white, wing size है उसका normal and miniature. इन्होंने इनमें cross बनवाया. फिर बाद में third cross लिया, body color and wing size. Body color आपको पता है brown and yellow, and wing size is the normal and miniature. इसके अंदर इस प्रकार से इसी तरह से तीन क्रॉस को उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेस पे पूरी तरह से फॉलो किया. जब उन्होंने मॉर्गन ने इस कैरेक्टर को कंसीडर करते समय द हाइब्रिड क्रॉस को फॉलो किया, जिस प्रकार से मेंडल ने द हाइब्रिड क्रॉस लिया, और द हाइब्रिड क्रॉस के अंदर उन्होंने जब एफ टू जनरेशन को ऑब्टेन किया तो F2 जनरेशन में उन्हें 16 ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन हुए. ये 16 F2 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग थे उनका रेशियो था 9:3, 3:3, 3:1. बट दिस रेशियो इज दी डेविएटेड फ्रॉम दिस द हाइब्रिड क्रॉस. ये जो रेशियो था मेंडेलियन रेशियो, दिस मेंडल रेशियो दैट इज दी लॉ ऑफ that is known as the independent assortment, law of independent assortment. ये यहाँ पर जब उन्होंने मॉर्गन ने क्रॉस लिया तो यहाँ पे ये रेशियो फॉलो नहीं हुआ. उनका जो एक्सपेक्टेशन था वो यहाँ पर फॉलो नहीं हुआ. इसके कारण जब उन्होंने क्रॉस लेते समय, देखिए यहाँ पे हमने क्रॉस बनवाया है, इस क्रॉस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस लिया है क्रॉस ए. इस क्रॉस ए में हम देख सकते हैं, इस क्रॉस में हम देखेंगे, क्रॉस में पैरेंटल जनरेशन लिए हैं. दीज आर द साइन ऑफ द फीमेल एंड दीज आर द साइन ऑफ द मेल. हेलो फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस क्रॉस को. पहला क्रॉस जब उन्होंने परफॉर्म किया, इस क्रॉस के अंदर उन्होंने टू कैरेक्टर को कंसीडर किया. वन कैरेक्टर इज द बॉडी कलर एंड अनदर कैरेक्टर इज द आई कलर. यू नो दैट इसके पहले हमने देखा कि उसके जीन्स और एलील्स कैसे होते हैं. यहां पे हमने क्रोमोसोम को दिखाया है. ये है, दीज आर दी फीमेल क्रोमोजोम्स XX. ये क्रोमोजोम दिखाया है यहाँ पर, और ये सेंट्रोमियर्स है. इसके दो क्रोमोजोम क्रोमैटिड्स है. यहाँ पे जो जीन्स है और एलील्स है, दीज आर दी Y, दीज आर दी W. हम इसको इस तरह से मेंशन करते हैं, ये है स्मॉल Y, स्मॉल Y एंड स्मॉल W, दीज आर दी स्मॉल W. Then these are the male one, small y plus and small w plus. ये है dominant one, ये है recessive one. Morgan ने हमेशा क्या दिखाया है कि male को dominant दिखाया है, female को recessive दिखाया है. ये plus का sign क्या indicate करता है? Plus का sign these are the indicator dominant one. Then y जो है यहाँ पर, y
पर कोई ही क्रोमोसोम नहीं है, यानी कि वाई क्रोमोसोम में कोई ही एलील्स नहीं है, कोई जीन्स नहीं है, कोई यहाँ पर एलील्स नहीं है। यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर्स है, इनके जीन्स है, एलील्स है, स्मॉल वाई प्लस एंड स्मॉल डब्ल्यू प्लस, ये है इसका पैरेंटल जनरेशन। पैरेंटल जनरेशन में जब उन्होंने इनका क्रॉस किया, येलो व्हाइट एंड वाइल्ड टाइप, येलो एंड वाइल्ड टाइप, दीज आर दी ब्राउन बॉडी कलर ऑफ दी बॉडी कलर इज अ ब्राउन, दैट इज नोन एज दी क्रॉस। व्हेन दिस क्रॉस वाइल्ड टाइप एंड दी येलो एंड व्हाइट, येलो इज दी बॉडी कलर, व्हाइट इज दी कलर ऑफ आई, देन इन अ क्रॉस वन इन एफ वन जनरेशन क्या मिला उनको? एफ वन जनरेशन में स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई प्लस स्मॉल डब्ल्यू प्लस एंड स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, ये है एफ वन जनरेशन। एफ वन जनरेशन में हमें वाइल्ड टाइप एंड येलो व्हाइट, दीज आर दी येलो व्हाइट एंड दीज आर दी वाइल्ड टाइप। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ गया कि y प्लस w प्लस स्मॉल y प्लस स्मॉल w प्लस, ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमें मिला है, यहाँ पे इनका हमने जब इनको क्या किया है, या फोन जनरेशन में मिले हुए इंडिविजुअल को हमने क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने क्रॉस नहीं किया, क्योंकि जब उन्होंने एफ वन जनरेशन के अंदर मिले हुए इंडिविजुअल को फिर बाद में उन्होंने क्या किया, क्रॉस को ठीक तरह से समझाया और समझ लिया और फिर बाद में टू ऑप्टेन दी एफ टू जनरेशन। एफ टू जनरेशन में यह है एफ टू जनरेशन। इस एफ टू जनरेशन में हम देख सकते हैं यह है वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड वाई वाइल्ड टाइप, यह है वाइल्ड टाइप, देन वाई प्लस डब्ल्यू यह है व्हाइट, देन y प्लस डब्ल्यू प्लस इज अ वाइल्ड टाइप, देन y प्लस डब्ल्यू इज अ व्हाइट। यहाँ पे जो y प्लस साइन जो है डोमिनेंट का है, y प्लस जो है वो डोमिनेंट का है, यस। नाउ हियर देन इन एफ टू जनरेशन y प्लस डब्ल्यू येलो व्हाइट, देन y डब्ल्यू प्लस येलो, y डब्ल्यू येलो व्हाइट, y डब्ल्यू प्लस y डब्ल्यू येलो। इन दी एफ टू जनरेशन व्हाट कॉम्बिनेशन इज ऑकर ऑन दी क्रॉसिंग ओवर, देन इन अ पेरेंटल जनरेशन हाउ मेनी देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दी मैक्सिमम पेरेंटल कॉम्बिनेशन आर एफ ऑकर और दी इनका, इसका मतलब ऐसा होता है कि जब एफ टू जनरेशन में ज्यादा से ज्यादा पैरेंटल कॉम्बिनेशन मिले हैं और रिकॉम्बिनेशन बहुत कम मिले हैं। अगर देखा जाए तो विज वेरी लो रिकॉम्बिनेशन बिकॉज हियर द जीन्स ऑफ द एलील्स विच आर द प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम विच आर द वेरी क्लोजली एसोसिएटेड ऑन द क्रोमोसोम द क्लोजली लिंक सच क्रोमोसोमल जीन्स और द विच आर द एलील्स विच आर द वेरी क्लोजली associated, so there is a when genes are the present very closely associated, then recombination chance is a very low or very less, then genes or the alleles which are the present on the chromosomes which are the far away from each others, then recombination character is the highest rate of the recombination rate is the express in F2 generation. The parental generation in the इज दी 98.7%, कितना आया है 98.7% एंड रिकॉम्बिनेंट इसका आया है 1.3%। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये व्हाइट है, ये वाइल्ड टाइप है, ये येलो है, ये येलो है। इसका जो एफ टू जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन हुए हैं उस ऑफस्प्रिंग में पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा है। पैरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है,
पेरेंटल कॉम्बिनेशन में हम देख सकते हैं कि वहां पे देर इज अ बॉडी कलर क्या है, ब्राउन एंड येलो, ब्राउन एंड येलो. देन आई कलर इज द रेड एंड व्हाइट. यह है पेरेंटल कैरेक्टर्स. ज्यादा से ज्यादा पेरेंटल कैरेक्टर यफ टू जनरेशन में एक्सप्रेस हुए. इसका कारण क्या है कि हेलो फ्रेंड्स, हम देखते हैं सेकंड क्रॉस, क्रॉस बी. टी एच मॉर्गन ने जब सेकंड क्रॉस लिया तो इस सेकंड क्रॉस में क्या किया उन्होंने, सेकंड क्रॉस में जो कैरेक्टर को सेलेक्ट किया वो कैरेक्टर है इज द क्रॉस बिटवीन द बॉडी कलर एंड द विंग साइज. यू नो दैट बॉडी कलर आर द प्रेजेंट इज अ रेड एंड रेड इज अ डोमिनेंट वन एंड व्हाइट इज अ रिसेसिव वन. रेड इज द ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद द जीन्स एलील्स W plus and normal wings is represented by the small M plus. Plus sign is indicate the that is known as the dominant one, and the recessive one is the normal W and small M. Small M, small W, small M. Small W is a white color jeans and small M is a miniature, that is a white miniature is the recessive. And the wild type is a dominant one. So these are the parental generation. In parental generation में जब parent को select करने के बाद जब उन्होंने Morgan ने उनमें cross किया, miniature का अर्थ होता है कि जो पंख होते हैं वो defective पंख होते हैं, छोटे पंख होते हैं, और नॉर्मल पंख वाले जो डॉसोफिला मेलानोगैस्ट्रल दैट इज कॉमनली नोन एज फ्रूट फ्लाई. इस फ्रूट फ्लाई के अंदर सेकंड क्रॉस को परफॉर्म करते समय द हाइब्रिड क्रॉस लिया उन्होंने. द हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर को उन्होंने कंसीडर किया. उनका फोकस कहीं पे था, उन्होंने फोकस किया कि दोनों ने दो क्रॉस सेकंड क्रॉस में दो कैरेक्टर को कंसीडर करने के बाद जब उन्होंने एफ वन जनरेशन को ऑब्टेन किया तब उन्होंने एफ टू जनरेशन में उनको क्या मिला. एफ टू जनरेशन में उन्हें मिला देयर इज अ नाउ हियर लुक ऑन द बोर्ड्स. यहां पर देखिए एफ वन जनरेशन में डब्ल्यू एम, डब्ल्यू प्लस, एम प्लस, दीज आर द वाइल्ड टाइप. Then WM is a white miniature. यानी कि जो वाइट मिनिएचर यहाँ पे है और W plus M plus is a wild type. WM is the F1 generation में जो उन्हें ये offsprings मिले, इस offspring में उन्होंने crossing किया. Crossing करते समय उन्होंने जब उनको F2 जनरेशन के इंडिविजुअल्स मिले, F2 जनरेशन में क्या मिला उन्हें, F2 जनरेशन में जब उन्होंने क्रॉस किया W प्लस M प्लस, W प्लस M, W प्लस M प्लस इज अ वाइट वाइल्ड टाइप, इज अ पेरेंटल कॉम्बिनेशन. देन अ मिनिएचर्स इज अ वाइट मिनिएचर W प्लस, दैट इज अ W प्लस इज द यहाँ पे क्या है, W plus is a dominant one. M, small M, is a miniatures. Then W plus M plus is a wild type. Then W plus M is a miniatures. Again, W plus M plus WM is a white miniatures. Then WM plus WM is a white normals. WM, WM, white miniatures, WM. WM plus WM is a white normals. यहाँ पे parental combination में जब हमें यहाँ पे 62% 0.8% 62.8% and recombinant combination मिले हैं यहाँ पे 37.2%. यहाँ पे recombination rate बढ़ गया है. जो recombination rate को यहाँ पे क्या हुआ है, जब पहले क्रॉस में जब हमने देखा तो रिकॉम्बिनेशन रेट कैसा था,
1.3% और पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ था 98.7%। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट रेट क्यों बढ़ा है? यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट रेट बढ़ने का कारण एक है, जो क्रोमोसोम पर जो अलग जीन्स जो है कैरेक्टर के जीन्स, यहाँ पे दो कैरेक्टर लिए हैं, वन कैरेक्टर इज द बॉडी कलर एंड अनदर वन इज द विंग साइज। जो विंग साइज के जो क्रोमोसोम यहाँ पर जीन्स क्रोमोसोम पर है वो बॉडी कलर के जीन्स से थोड़ा डिस्टेंस में सिचुएटेड है, लोकेटेड है, और उनमें क्लोज एसोसिएशन नहीं है। उनमें दोनों में, दो जीन्स में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण उनमें क्लोज एसोसिएशन नहीं है, और क्लोज एसोसिएशन नहीं होने के कारण उनका जो इनहेरिटेंस है वो इनहेरिटेंस साथ में नहीं होता, और साथ में नहीं होने के कारण उनमें ज़्यादा चांसेस कैके बढ़े हुए हैं, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेशन के बढ़े हुए। पेरेंटल जनरेशन कम हुआ, क्यों? वहाँ पे जो जीन्स है, एलील्स है क्रोमोसोम पर, उनका जो डिस्टेंस है दोनों में, लोकेशन का डिस्टेंस जो है क्लोजली एसोसिएटेड नहीं है। इसका क्या मतलब होता है कि परसेंटेज इज दी नोटेड डाउन वेन बाय दी टीएच मॉर्गन वेन दी पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज देर इज हायर रेट, बट एज कंपेयर टू दी रिकॉम्बिनेशन रेट इज हायर रेट, बट रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द फ्रूट फ्लावर इज इंक्रीज। तो रिकॉम्बिनेंट रेट बढ़ चुका है, कितना हुआ है 37.2% वहां पे आया हुआ है। इस क्रॉस में हमें ये सीख मिलती है, और मॉर्गन ने हमें बताया कि पॉस्टुलेट किया है कि जब कोई जीन्स क्लोजली एसोसिएटेड होता है, उसका लिंकेज होता है, तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम होते हैं। अगर जीन्स का लिंकेज अगर नहीं होता है, उनमें डिस्टेंस होता है लोकेशन में, उनमें डिस्टेंस होता है, तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिकॉम्बिनेशन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन इन्हें उन्होंने बताया है, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से हमें जी मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट से फ्रूट फ्लाई में जो उन्होंने डायब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट किया, और इस क्रॉस में उन्होंने इस प्रकार से उनको पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिले, और उस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ दी न्यू इंडिविजुअल्स मिले। इस प्रकार से हमें इस यहाँ पे थैंक यू वेलकम्स।